आप? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो थोड़े से लेट आ रही हैं मेरे व्लॉग, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी सॉरी ऑल फ्रेंड्स, माफ़ करना। और बस क्या है ना कि थोड़ा सा एडिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ और बीच में तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी, इसलिए बस इसलिए लेट मेरे व्लॉग आ रहे हैं। तो अब तो फ्रेंड्स थोड़ा कंटिन्यू सोच रही हूँ कि कंटिन्यू ही रखूँ अपने व्लॉग, ताकि पहले व्यूज़ डाउन आ रहे हैं और अभी फिर से डाउन हो जाएंगे अगर मैं डेली अपना व्लॉग नहीं डालूंगी। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम था और मैंने अपना घर का ताला वगैरह जो होता है मेन गेट का वो खोल दिया था, और उसके बाद ही फ्रेंड बस अपना दोनों मतलब चौखटों पर पानी डाल दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मॉर्निंग की झाड़ू लगाने। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं किचन से ही अपनी झाड़ू लगाने स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग की, तो बस फ्रेंड्स आज मैं मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह लगा ली है। उसके बाद ही फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना किचन में थोड़ा सा काम वगैरह करने लगी हूँ। तो जो चने वगैरह हैं काले वो बॉईल करूँगी, तो बस यहाँ पे मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे और नमक वगैरह ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि जब भी हम मतलब चने वगैरह या छोले उबालते हैं तो उसमें नमक वगैरह ऐड ज़रूर करते हैं। तो यहाँ देखिए उसके बाद फ्रेंड मेरा पोछा वगैरह लगना हो गया था स्टार्ट। तो अभी मेरे घर में ना बच्चे वगैरह सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पे करीब 4 बजे का टाइम था सुबह के। तो आज के दिन तो फ्रेंड्स सभी जल्दी उठते हैं, चाहे और दिन चाहे ना उठे, पर आज के दिन तो सभी जल्दी उठते हैं। और वैसे भी लेडीज़ तो फ्रेंड जल्दी ही उठती हैं, और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको तो वैसे भी आदत ही पड़ जाती है जल्दी उठने की। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मेरा मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लग चुका था, और यहाँ देखिए मतलब जो बेडरूम है वहाँ पर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद ही फ्रेंड मैं यहाँ पे बाहर से धोने वगैरह लग गई थी देखिए, तो काम करते करते फ्रेंड पता ही नहीं चला टाइम का। और यहाँ देखिए फ्रेंड मॉर्निंग भी हो ही चुकी थी, क्योंकि अंदर अंदर रहो ना पता ही नहीं चलता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड बस मैं बाहर से सड़क वगैरह वो भी अपनी धो दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी अपना नहाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना था फ्रेंड। बस मैंने सब्जी वगैरह तो काट के रख दी थी, मैंने सोचा नहा धो लूँ पहले उसी के बाद बनाऊँगी। तो बस छोले वगैरह तो फ्रेंड बॉईल करने के लिए सभी रख देते हैं, उसके बाद ही अपना नहाते धोते हैं, उसके बाद ही अपना खाना पीना बनाते हैं। तो यहाँ जो भी हमारा डेली का मेकअप होता है तो हल्का फुल्का सब वही मैं अपना कर लूँगी। तो उसके बाद ही मैं आ गई हूँ अपना किचन में। तो बस किचन में फ्रेंड मेरी बन रही है अभी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू चने की सब्ज़ी और साथ में हलवा वगैरह, और जो काले चने होते हैं जीरे में तड़का वगैरह लगा के सिर्फ वही बनाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे लग गई हूँ। तो सुबह सुबह ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाता है सभी हाउसवाइफ का, और अगर छुट्टी पड़ रही हो तब भी और ना हो तब भी, क्योंकि जो हमारा रूटीन है फ्रेंड वो तो चेंज नहीं हो सकता, मेरा तो होता ही नहीं है और मुझे लग रहा है और फ्रेंड्स है उनका भी नहीं होता होगा मेरी तरह जो भी हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे बस देखिए मेरा खाना वगैरह हो जाएगा बन के रेडी। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी और साथ में आलू चने हैं उसकी भी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। तो बस उसके बाद ही फ्रेंड मैं अपना आटा वगैरह भी साथ साथ लगा के रख दूँगी, क्या है ना उसके बाद आटा भी थोड़ा सा मुलायम वगैरह हो जाएगा, और पूरी वगैरह तो फ्रेंड हम बाद में ही बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरी माही भी आ गई थी, तो उसको अब रेडी वगैरह करूँगी। बस यहाँ देखिए फ्रेंड्स खाना हो गया बन के रेडी, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में है आलू चने की सब्जी, और इधर रख दे फ्रेंड्स हलवा, और ये है चने। तो चले फ्रेंड्स अभी करते हैं हम पूजा वगैरह, और इसके नीचे फ्रेंड्स आटा वगैरह लगा के रख दिया है देखिए। तो चलिए अभी पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स में मिलते हैं। तो पूरी वगैरह बनानी रह गई है अभी, ठीक है। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन करके रख दिया अपनी देखिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी पूजा वगैरह हो गई थी, और उसके बाद ही मैं आ गई थी पूरी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड फिर बच्चों को भी बुलाना था। मैंने सोचा थोड़ी सी पूरी बना के रख दूँगी और उसके बाद जब बच्चों को बुला के लाऊँगी उसके बाद जब बनाऊँगी, क्योंकि भोग वगैरह भी लगाना था। तो बस यहाँ पे ना फ्रेंड मैं गई थी बच्चों को बुलाने के लिए, और हस्बैंड जी और पीहू ने पहले से ही सबके आगे ना पत्तल वगैरह लगा के रख दिए थे, तो यहाँ पे बस उनको साथ साथ खाना वगैरह डाल दिया था। और ज़्यादा हेल्प मेरे हस्बैंड ने ही करी थी, क्योंकि मैं पूरी बनाती या खाना परोसती तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने ही खाना वगैरह दिया था और मैं साथ साथ पूरी बनाती रही। तो देखे काफ़ी सारे यहाँ पे कन्या आ गई थी और 2 लांगुरिया भी थे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इन्जॉय करिए इस वीडियो को, और मैं लगाती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक।
यहाँ पे फ्रेंड्स कन्याओं ने खाना वगैरह सब खा लिया था। उसके बाद बस मैं कलावा वगैरह बांधने लगी थी और टीका वगैरह कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और प्लीज़ बेल आइकन के साथ प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे बच्चे वगैरह चले गए थे और मेरे बच्चे गए थे कहीं और अभी कन्या खाने। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, बस मैं और मेरे हस्बैंड साथ में खा लेंगे खाना क्योंकि सुबह से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया थाली और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर अभी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था ज़्यादा खाना बना लिया तो, पर सब्जी देखिए कितनी थोड़ी सी बची है यहाँ पे। और इधर थोड़ी सी आलू चने की सब्जी बची है और इधर हलवा भी देखो कितना सा बचा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जाती हूँ अपनी फ्रेंड के घर और मिलती हूँ। मुझे लग रहा था फ्रेंड जैसे खाना मैंने ज़्यादा बना लिया है, पर थैंक गॉड कि खाना ज़्यादा नहीं बना और बहुत ही अच्छा लगा। कन्याओं ने भी बहुत अच्छे से खाया और सबसे अच्छी आलू गोभी की सब्ज़ी उन्हें बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी आलू गोभी की सब्ज़ी शायद सभी की फेवरेट होती है और मेरी माही की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और पीहू की आलू चने की सब्ज़ी, हलवा वगैरह, उसको मीठा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कहते हैं मीठे का कीड़ा है वो। तो चले फ्रेंड्स, अभी चलती हूँ मैं और मिलती हूँ थोड़ी देर में आकर के आपसे। उसके बाद से फ्रेंड्स अभी मिल रही हूँ आपसे और अभी टाइम हो गया है इवनिंग का। तो बस उसके बाद आने के बाद ही फ्रेंड मैंने अपने थोड़े से बर्तन वगैरह वॉश करे थे क्योंकि मैं छोड़ के चली गई थी, मैंने सोचा आके वॉश करूँगी। देखिए तो सिंक वगैरह मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है और अभी सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत रखी हुई है तो ये खाली हो जाएंगी, तो फिर नाइट में करके सोऊंगी इनको साफ। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने चौकी वगैरह हटा दी अपनी, तो यहाँ मंदिर लगा दिया मैंने अपना। और मैंने ना अपनी मंदिर की जो जगह है वो चेंज कर दिया फ्रेंड, क्योंकि मतलब काफ़ी फ्रेंड्स मेरे से बोल रहे थे कि आप ना इधर मंदिर मत रखो, पहले यहाँ पे रखा था फ्रिज के पास में, तो कह रहे थे मेन गेट के बिल्कुल सामने आते जाते मतलब कि एकदम से दिखता है या जो भी है, मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है। पर वो बड़े हैं, हमसे समझदार हैं, तो उन्होंने बोला कि आप अपना मंदिर या तो सामने रखो ऐसे, या ये वाली दीवार है इस तरफ रख सकते हो, तो दोनों में से जो भी ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे अच्छा लगा तो मैंने इसे ऐसे रख दिया है। और अभी ना फ्रेंड्स, मैंने कल कपड़े भी वॉश करे थे तो आधे कपड़े तय कर दिए थे, आधे नहीं करे, तो ये कपड़े भी मुझे तय करने हैं, देखिए अभी रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, खेलने लगे हुए हैं। और अभी फ्रेंड बस मैं करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज और कपड़े वगैरह तय भी करने हैं मेरे को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो फ्रेंड्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।